निकल गया खाना खाने के लिए, आई डोंट नो दिस वन, और अभी भी खड़ा हुआ है यार। और एक और बैड न्यूज है भाई, गल्फ में आने के बाद में ये एक्सपेक्टेशन मत करके रखना कि आपको एक ही स्टोर मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, आपका कभी भी कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है आधी रात। नसीब ही खराब है कसम से बता रहा हूँ। ये देखो पानी लेने के चक्कर में और जो साथ वाले हैं छोड़ के चले गए। So, hello, Mr. Savishan. Hi, bro. How are you? How are you? Good? Good, yeah. Today, what time? Today, closing 7. 7? Ah, enjoy, yeah. So, भाई जाने से पहले मेरे को कुछ एक चीज बोलना था। मैं रूम में आता हूँ अभी, नीचे आप प्रेयर चालू है और तो वहाँ पे सब लोग प्रेयर पे गए हैं। कितना बज गया? 1:50 हो गया, तो अपन निकलेंगे यहाँ पर 1:50 बुरा, मतलब 11:50 हो गया। 10 मिनट में पता नहीं बस नहीं जाएगी आई थिंक, क्योंकि फ्राइडे है। नहीं फ्राइडे नहीं, थर्सडे यार, मैं सोच रहा था फ्राइडे है, सॉरी नहीं यार फ्राइडे ही है यार, क्या हो रहा है मेरे साथ में, फ्राइडे है क्योंकि। तो 11:50 हो गए, 5-10 मिनट में बस निकलेगी। उससे पहले जैसे ही मैं निकलने वाला था, हम लोग बैठ के कॉफ़ी पी रहे थे, कॉफ़ी वॉफी पी के एकदम हो गया है। एंड भाई एक चीज़ बंदे ने एक क्या बात बोली है, देख शशिकांत, हम लोग बैठ के बात कर रहे थे कि खाना क्या बनेगा, कैसे बनेगा, क्या करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे। तो इस बंदे ने एक बात बोली, देख शशिकांत, वी आर हियर फॉर मनी, राइट? सो अपना पेट भरा होना चाहिए एंड अपना स्लीप पूरा होना चाहिए। आप मेरे को बोलता है कि मेरे को जिंदगी में ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, आई वॉन्ट माई फूड एंड आई वॉन्ट माई स्लीप, दिस टू थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, एंड रेस्ट ऑफ खली बली, नहीं भी मिलेगा तो भी चलेगा, बट फूड और स्लीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं बैठ के रियलाइज कर रहा था, साला मैं तो कल हल्दी का दूध पी के सोया हूँ और अभी तो कॉफ़ी और बिस्किट चल रहा है और दोपहर के लिए लंच का इंतजाम कर लिया हूँ। तो ये बोल रहा था भाई, मैं कभी भी ऐसा सेक्रीफाइस नहीं करूँगा कि मेरे को भूखे पेट सोना पड़े एंड भूखे पेट रहना पड़े। इतना घर परिवार छोड़ के आया हूँ मैं, किसके लिए? उन्हीं के लिए आया हूँ और पैसे के लिए आया हूँ। अगर मेरा ही हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा, मेरे को ही चक्कर वगैरह आ रहा है, तो फिर मैं कैसे चलेगा, मेरे को काम भी करना है। तो ये मेरे को रियलाइज हुआ भाई, एंड ये रियलाइज हुआ कि यार भाई अब से खाने पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे, हाई क्वालिटी ऑफ फूड पे ज़्यादा ध्यान देंगे, गुड क्वालिटी फूड पे ज़्यादा ध्यान देंगे। एंड थैंक यू सो मच, बोलते ना कहीं से भी किसी की बात सुनने मिल जाए और वो अपने दिमाग में हिट कर जाती है। तो थैंक यू सो मच टू सबेशन ऑल्सो, क्योंकि भाई सही टाइम पे सही ज्ञान पेल दिया कोई तो वो दिमाग में काम कर जाता है। तो चलो चलते हैं, उठाते हैं अपनी घड़ी, पैसा कमाने, पैसा बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये सारी की बातें धरी रह जाएगी, और पेट भरना भी ज़रूरी है। लाइट बंद हो जा रही बाइक। सो हेलो जी गाइस, क्या हाल चाल, वेलकम टू माय ब्रांड न्यू ब्लॉग। तो आज फ्राइडे है, लोग जा रहे हैं एज यूजुअल नमाज पढ़ने के लिए। तो अभी अपना है ना सादिक भाई गया है प्रेयर पे, उसका बैग वहाँ पे रखा है भाई, एक बार प्रेयर करके आएगा। एकदम गर्मी में प्रेयर कर रहा है बाहर खड़ा होकर भाई, गंदा वाला धूप है, जब आएगा तब दिखाता हूँ। अभी 10 मिनट और बाकी, सबके सब प्रेयर कर रहे हैं। देखो सब लोग जा रहे हैं, को दोनों जुड़वा बहन को आगे। माया के चाहो डेली ब्लॉग। तो भाई यहाँ पे लोग भी दिख रहे हैं और पब्लिक भी दिख रहे हैं, आज स्टाफ ऐसा भर के आया है ना,
पूरा बस में खचाखच भरा हुआ था स्टाफ। और केजांग मेरे को निकलने से पहले फोन कर दिया, मेकअप लेट वाई आने निद्रा खुले ना हो, बहुत टायर्ड। सीरियसली मेरा भी आँख नहीं खुल रहा था, मैं कैसे करके उठाऊँ ना पूछो ही मत। फिर भी 9 घंटे की नींद तो चाहिए भाई कुछ भी करके। तो यहाँ पे आज लोग देखने मिल रहे हैं इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे चिल्लर पार्टी चल रही है, देखो सीधा चिल्लर पार्टी इज गोइंग। एक्चुअली ना ये है ना वॉशरूम ढूंढ रही है, अभी इसको वॉशरूम पता नहीं है कि कहाँ पर है, अभी जाके किसी को पूछेगी क्योंकि बच्चे लोग को लेके जा रही हो तो खदामा इसको ही बोलते हैं। चलो बढ़िया है यार, हाउ इज योर डे? I feel like every day vomiting in the bus, I don't know why. Like this coming. Now okay? Okay, good. देखो सादिक भाई यहाँ से गया सीधा भी अंदर घुसेगा और लॉग इन करेगा क्योंकि यहाँ पे जो भी आता है अगर लॉग इन नहीं किया ना देखा लॉग इन करेगा। एवरी वन नीड्स टू बी लॉग इन। अभी केजांग करेगा, प्लीज गो अहेड, चेक इन। चलो जरूरी है भाई। तो भाई अभी क्या करना है, खाली मेंटली स्ट्रांग फिजिकली स्ट्रांग और चाहे भूख लगी हो ना भूख लगी हो खाली कॉफ़ी और बिस्किट खा के निकले थे, अबी तो पेट ऐसा भरा हुआ है बट 6 बजे खाने मिलेगा ये तो श्योर। क्योंकि जो हालात दिख रहे हैं ना यहाँ पर वो देख रहे हो ये जो हालात दिख रहे हैं ना ये हालात बदल सकते हैं कभी भी ऊपर बिजी के टाइम में, तो इसीलिए खुद को भी बोलना पड़ेगा भाई बी रेडी। और अपने भाई से मिलाता हूँ, अपना भाई किधर है? हाँ भाई हर रोज पूछता है भाई तू व्लॉग नहीं कर रहा है। मैंने बोला भाई करूँगा टेंशन मत ले। तो यहाँ पे लोग भी देखने मिल रहे, देख लो आप लोग तो बढ़िया यार। मिलते हैं अभी क्या फ्रेशअप होना है, फ्रेशअप होके वापस है वही बैक टू नॉर्मल लाइफ। हेलो सर, सलाम अलैकुम, वजबा वसत कबीर, जिबना दाखिल, मशरूफ कोला, वसत कबीर सगीर, यही सब करना है भाई सुबह से लेकर शाम तक यही करना है। उसके बाद में अगर कस्टमर नहीं है तो क्लीनिंग, अगर है तो सजेस्टिव सेलिंग और अपना काम। मज़ा आएगा। फ्राइडे के दिन तो लगता है कुछ काम किया है, बाकी के दिन तो खाली क्लीनिंग। नो कंप्लेंट, ऑल पॉजिटिव, लेट्स गो मेक इट हैपन। कुछ टाइम और है, अच्छे से जी लेते अपनी ज़िंदगी। तो अभी क्या सीन हुआ पता है क्या, मैं बोर्ड पे था और सडनली एरिया कोच आया भाई, सारी चीज़ें एक एक चीज चेक किया और मैं तो निकल गया खाना खाने के लिए। आई डोंट नो दिस वन, और अभी भी खड़ा हुआ है यार। और एक और बैड न्यूज़ है भाई, गल्फ में आने के बाद में ये एक्सपेक्टेशन मत करके रखना कि आपको एक ही स्टोर मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपका कभी भी कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है, आधी रात को भी भाई। एंड जस्ट यही प्रे करूंगा कि भैया माँ बाप का आशीर्वाद लेके आना यार, कसम से बता रहा हूँ कुछ भी किसी के साथ नहीं हो सकता है। मेरे रूम में था, साथ में ही था, सडनली उसका ट्रांसफर हो गया, बहुत दूर फेंक दिया उठा के। अभी वो रो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, वहाँ का स्टोर जम नहीं रहा है, बहुत बिजी होता है। तो ये मत सोच के आना कि आपको एकदम अच्छा स्टोर मिल जाएगा और आपको एकदम ख़राब स्टोर मिल जाएगा, मतलब कुछ भी हो सकता है भाई। प्रे टू गॉड एंड बस, बाकी सब बढ़िया है। ये रहा मेरा खाना और ये राइस, खाना खा लेता हूँ, मिलता हूँ। 3 बैग ऑलरेडी भर गए, अभी ना जाने रात को कितना भरेगा। तो डन, खाना हो गया है भाई, टिफिन यहाँ पे हैं, बाद में लेके जाऊँगा, अभी थोड़ा बाहर बैठ नहीं सकता, गर्म हवा फेंक रहा है। तो भाई इसी के साथ में अपना ब्रेक वगैरह ख़त्म हो गया, लोग हैं वहाँ पर, काम भी चालू है, बट ठीक है, एरिया को जब भी जाने का नाम नहीं ले रहा है। 6:30 बज के हो गया है ऑलरेडी, लेट्स से देख कब जाते हैं। यहाँ पे कुछ नया स्पॉन्सर का समथिंग आ रखा है, स्पॉन्सर का मतलब स्पोर्ट्स के बारे में कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो आते रहता है भाई, कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे देखो लोग हैं, बढ़िया चल रहा है फिलहाल, बस हो गया। हाँ तो देखो हाथ हिला रहा है अभी भी। चल बोलता है भाई मेरे को भी दे लिया कर अपने वीडियो में। जो ये जो दरवाज़ा खोला ना मैंने, समझ लो जो ये दरवाज़ा खोला ये सिर्फ और सिर्फ स्टाफ के लिए रास्ता है और किसी बाहर वाले को अलाउड नहीं है यहाँ से आना, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ स्टार और स्टाफ के लिए, क्योंकि यहाँ से हम लोग को गार्बेज लेके जाना आता है, कुछ भी रिसीविंग करना पड़ता है ना, तो ये वाला जो रास्ता दिखा रहा हूँ इसी रास्ते से होता है। तो सुमसा में बढ़िया है, कैमरा वमरा सब लगा हुआ है, यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सब दिखाई पड़ता है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि अभी भाई मैंने एक बंदे को एक कॉन्टेंट क्रिएटर सजेस्ट किया,
एक बंदी है यार सारस डे करके, उसके ऊपर मतलब क्या ब्लॉग बनाती है। मैं तो देख के एकदम वही हो जाता हूँ, इतना मोटिवेट हो जाता हूँ भाई, ऐसा वीडियो अपना भी एक दिन निकलेगा। बट अभी थोड़ा टाइम है क्योंकि लैपटॉप में उसकी एडिटिंग होती है, कलर ग्रेडिंग होता है, इसलिए होएगा आएगा। थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है। अभी फ़िलहाल चलते हैं वहाँ पे काम पे। देखो मैं तभी गया था वहाँ से, अभी आया यहाँ से, एरिया कुछ काउंटर पे ही खड़ा हुआ है, मिलता हूँ बाद में। तो एक चीज़ और बोल दूँ, जो भाई कल वाली वीडियो आपने, जो कनाडा का स्कैम वाली वीडियो आपने देखा ना, कितना अच्छा चला है, 7 मिनट के ऊपर का वॉच टाइम मिला है, एंड इसके लिए शुक्रिया भाई, बहुत कितना भी बोलूँ शुक्रिया, आप लोग का प्यार और ऐसे ही बनाए रखना, वी विल ग्रो टुगेदर। ओके, और मेरे को देखोगे आप लोग की भाई आप लोग कैसे ग्रो कर रहे हैं। चलो अभी चलता हूँ। आज मेरा ही काम है ना सबसे लेट ख़त्म हुआ है, मतलब ख़त्म भी नहीं हुआ अभी तक। हाय हो मेरे प्यारो, नंबर वन मंजू विल बी हैप्पी, मंजू दीदी हैप्पी आने। तो खाली मेरा काम पूरा, अभी अंदर का पूरा फ्लोरिंग बाकी है, चलो ख़त्म करता हूँ यार, पूरा गंदा हो रखा है, तो मेरे जिम्मे है ये। तो कल्लू जेल से फरार हो गया अभी। नहीं मैं एक्चुअली जा रहा हूँ, मेरे को बनाना खरीदने का है। कितने दिन हो गया यार बनाना खरीदा नहीं, तो जो शॉपिंग बोल रहा था ना, जो उनसे नहीं कर रहा हूँ, तो अभी जा रहा हूँ बनाना लेने के लिए, क्योंकि मेरे पास में पीनट बटर रखा हुआ है तो, और अवोकाडो भी रखा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि बनाना की वजह से मैं उसको मेन मेरे ड्रिंक को मिस ना कर दूँ, इसकी वजह से मेरे को लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पूरा उसका टेस्ट बिगड़ जा रहा था। और अवोकाडो और बनाना, ओह क्या ही अलग लेवल का टेस्ट है। चलो तो सीधा अभी अपन लुल्लू में, किधर गया भाई, इनका जगह ही चेंज होते रहता है कभी कभी। ये क्या है, ये जूते का ऑफर यहाँ पे कितने का आ गया, क्या बात है। ओह फक भाई, 13 दिनार का जूता है, 13 दिनार का, और कुछ भी नहीं है, देखो एकदम नल्ला है, हवा में से उड़ाएगा ना उड़ेगा, 13 दिनार का, गजब लूट है भाई, गजब लूट है। तो जो लोग को जूता लेके आना है प्लीज़ अपना जूता लेके आना, आई होप सो कि नहीं यार सेम वही है, 695 फील्स, मतलब 700 फील्स का, तो अपन ले लेते हैं। तो मैं भी एक चीज़ दिखाता हूँ, ये दिख रहा है स्वीट पोटैटो, बट ये ऑरेंज वाला। मैं पहले जिस रेस्टोरेंट में काम करता था ना, तो वहाँ पे खाली एक स्वीट पोटैटो के अंदर थोड़ा सा चना छोले भर के देते थे और 800 रुपया चार्ज करते थे, 725 प्लस टैक्सेस, तो इस बिकम 800 प्लस हो जाता था, ऐसा सीन था भाई, इतना लूटा करते थे। और क्या नाम बोलते थे, ऑर्गेनिक स्वीट पोटैटो, ऑर्गेनिक ऑरेंज स्वीट पोटैटो, ऑर्गेनिक सब डाल के चेप दिए, फॉलोंग विद द, और क्या बोलते थे, स्टफ विद द चिक पीस एंड केल पेस्ट, तो लाइक दैट ऐसा कुछ भी इंग्रेडिएंट, मगर भाई एकदम थोड़ा सा है, एक दो चम्मच ही रहेगा उसके अंदर, बहुत लूटते थे। खाली यही ख़रीदना था क्या मेरे को, अब मेरे को याद भी नहीं है, चलो देखते हैं, और कुछ नहीं ख़रीदना है। तो भाई पानी ऑफर में था तो पानी भी ले लिया, 2 केस यहाँ पे, ये मोहतरमा अपना ले लिया सामान। और भाई सब लोग ऐसे आते हैं, आप भी आ जाया करो अगर आपको टाइम मिलेगा। तो अभी पानी सस्ते में था, आज खाली है पूरा काउंटर, तो आराम से कैंपिंग भी जा सकता हूँ। नसीब ही ख़राब है कसम से बता रहा हूँ, ये देखो पानी लेने के चक्कर में और जो साथ वाले हैं छोड़ के चले गए, देख रहे हो। बट कोई नहीं, बुरा तो लग रहा है कि यार सब लोग के सामने निकला, उनको बोल के आ रहा मैं जा रहा हूँ सामान लूँ लेने के लिए, थोड़े रुको मेरे को केला ख़रीदने का था, और वो लोग रुकाए भी नहीं और किसी को याद भी नहीं था, और गाड़ी चल दी तो आधी मैं फ़ोन कर रहा हूँ तो लेफ्ट कर दिए। अब मेरे को 1:30 का वेट करना पड़ेगा, अभी आधा घंटा पूरा बाकी है, एंड बस आएगी दूसरों लोग एप्पल बीस के लिए ना, तभी उनके लिए मेरे को वेट करना पड़ेगा, अब दूसरी बस में जाना पड़ेगा घर पे, ऐसा सीन है, हद है, कोई नहीं क्या करें, पार्ट ऑफ लाइफ है, अब हो गया तो हो गया है, तो फिर बैठ के पछताऊँ क्या यार क्यों चला गया, या फिर अब आगे बढ़ूँ। चलो कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, सीरियसली बता रहा हूँ, पागलों की तरह बैठा हूँ, अभी बज गए 1:30, 5 मिनट और बचा है, मैंने है ना अभी अच्छा हुआ बस वाले को मैसेज किया, अच्छा हुआ मेरे पास में बस का जो हेड वाला है ना उसका नंबर था, उसको मैसेज किया, मतलब पाजी मैं अभी यहाँ पे लटक गया हूँ, मेरे बंदे लोग निकल गए, बोला कि 5 मिनट और वेट करें हम लोग आ रहे, तो अभी वो आ जाएगा यार, थैंक गॉड गॉड मेरा बस आ गया, अभी जाके खुशी मिली, थैंक यू। मेहनत कर रहे देखो, रात की मेहनत, नाइट वाली, इंजीनियरिंग लोग का काम है सब। तो भाई फाइनली आ गया मेरा, अभी एप्पल बीज वाले बाकी है तो उनके साथ में जाना पड़ेगा, तो चलो अंदर बैठ के एडिटिंग करने की, जैसे स्टार्ट किया ना
तब तक आ गया। अब एडिटिंग कल करेंगे, अभी मूवी देखने का इच्छा कर रहा है, तो मूवी देख के थोड़ा रिलैक्स फील करता हूँ। नहीं तो दिमाग में यही चलता रहेगा कि मेरे दोस्त यार लोग मेरे को छोड़ के चले गए थे, समझ रहे हो। चलो मूवी देखता हूँ। आके बैठा रे भाई, ये हालत खराब हो गई, सालों ने मेरे को छोड़ दिया। अब बुरा तो लग रहा है बट कोई नहीं, अच्छा हुआ मैं वो थालापति विजय की नई मूवी आई वो देख रहा था। अभी तक मैंने 15 से 20 मिनट देख लिया है, मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। तो उसकी 69 मूवी है, एक और मूवी करेगा उसके बाद शायद रिटायरमेंट है, अच्छा लग रहा है। तो ठीक है, इसी के साथ में मिलते हैं फिर। अभी क्या ही बोलूँ, मेरे दिमाग में कुछ और नहीं चल रहा है, अभी ऑलरेडी इतना लेट हो गया है कि पूछो मत, आते मत। अभी पता है क्या देख रहे हो, अभी कितना बज रहा है, इतने टाइम पे ना मैं मेरा एक्सरसाइज करके खा पी के एकदम रेडी हो जाता हूँ, बिस्तर में घुसने का रहता है। अब मैं इतने बजे स्टार्ट करूँगा अपना शावर, फिर खाना पीना जो भी रहेगा, अभी बनाना शेक खाने का, बनाना शेक वो भी खा पी के तेजा सोऊंगा, तो मैं भी 4 बज जाएगा सोते सोते, सुबह उठ के वापस से भागना है। बट कोई नहीं, ये मेरे स्ट्रगल पार्ट ऑफ लाइफ है, आगे चल के काम आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं फिर कल वाले ब्लॉग में। बाय। एवरी सिंगल डे शूट करना, एडिट करना, अपलोड करना। शशिकांत गुड जॉब, यू आर डूइंग गुड जॉब, गुड जॉब। तो जिंदगी में ये नहीं पिया तो क्या पिया। पीनट बटर अवोकाडो शेक, मजा आ गया भाई।